देखिए अनफॉर्चुनेटली क्या हो रहा है, जब भी कोई कुछ कहता है ना तो बहुत पोलराइजिंग ओपिनियंस इमर्ज होती हैं, और मुझे एक्चुअली उससे सबसे ज़्यादा डर लगता है, क्योंकि अगर हम फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात करें तो आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू गिव एवरीबडी द अपॉर्चुनिटी टू से व्हाट दे हैव टू, एंड फॉर एवरीबडी एल्स टू ऑल्सो हैव द एबिलिटी टू लिसन टू व्हाट समबडी इज़ सेइंग. फिर वो आप आइडिया एक्सेप्ट कर सकते हैं या रिजेक्ट करते हैं वो आपके ऊपर है, और किस तरह से हम किसी आइडिया को रिजेक्ट करते हैं या एक्सेप्ट करते हैं वो हमारी सोसाइटी पर रिफ्लेक्ट होता है, और हम किस तरह का समाज है उस पर रिफ्लेक्ट करता है. तो मेरे हिसाब से अगर नसीरुद्दीन शाह जी ने कुछ कहा है, कुछ सोच समझ कर ही कहा होगा ना, कोई ऐसे खाली कोई ऐसे कमेंट या कोई ऐसी बात कभी नहीं करेगा अनलेस उनके जहन में, वो इतने मैच्योर आर्टिस्ट हैं, इतने सालों से वो काम कर रहे हैं, उन्होंने ज़िंदगी देखी है, मुल्क देखा है, वो जानते हैं क्या हो रहा है, और उन्हें उनके अगर अंदर उनके भीतर कोई अगर ख्याल बना हो और उन्होंने वो ख्याल ज़ाहिर किया है तो वो उनके मन की बात है. आई थिंक बहुत अनफॉर्चुनेट हुआ कि उनका वो जो इवेंट में वो जाने वाले थे वो कैंसिल हो गया. ये किसी के साथ नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक जैसे कि मैं कह रही थी, एक डेमोक्रेटिक सोसाइटी में सबको मौका मिलना चाहिए अपने ख्यालों का जाहिर करना, अपने अपने बातों का प्रस्ताव रखना, लोगों के सामने अपनी सोच बतलाना.